सीड फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन के बाद हम लोग देखें कि सीड बनाने में जो इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस हुआ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म की अपेक्षा जो यहाँ एंजियोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन हुआ है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से हुआ है। काफ़ी प्रोसेसेस आपने देखा, डेवलपमेंट हुआ इसमें, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ, पोलिनेशन हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हुआ, एम्ब्रियो बना, एंडोस्पर्म बना, मैचुरेशन, वो बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो सिंपल वे में जो पहले से रिप्रोडक्शन चला आ रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होने का अपना क्या है, एडवांटेजेस क्या है, यानी कि हम लोग देखें एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से जो सीड बना, इसका क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले हम लोग देखें इसका कि पहले से जो एडवांटेज देखें कि सीड फॉर्मेशन एंड इट्स डिस्पर्सल पहले से डिपेंडेंट था वाटर पर, और डिपेंडेंट अपॉन वाटर स्पेशली इन रिप्रोडक्टिंग सीजन। उस समय खास करके वाटर का प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी होता था ताकि गैमेट्स आपस में कांटेक्ट में आ सकें, लेकिन जब टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ स्विच हुआ तो वहाँ पर ये इंडिपेंडेंट बन सका, इट बिकम टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ सक्सेसफुल बाई सीड फॉर्मेशन। अब सीड को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना आसान हुआ, आर्टिफिशियली भी ले जाएंगे, नेचुरली भी जाएगा, प्रिजर्व कर सकते हैं, और इसमें विंड के थ्रू, पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी हर जगह संभव नहीं हो पाती है, लेकिन एजेंट्स जो है जहाँ पर जैसे अवेलेबल है विंड या पॉलिनेट जू फीली है, वो सब जगह अवेलेबल हो पा रहे थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक तो पॉलिनेशन और दूसरा डिस्पर्सल, ओवरऑल क्या हुआ इसमें, पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल, डिस्पर्सल ऑफ सीड पॉलिनेशन, इन दोनों से क्या हो गई, आज़ादी मिल गई, फ्रीडम मिल गई, ये वाटर इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो पहला तो ये देखा, दूसरा कि दूसरा तरीका है इसमें एडेप्टेशन या स्ट्रेटजी है ये, ताकि वो न्यू कॉलोनी में जाकर अपने आप को एडजस्ट करें, एडेप्टेशन स्ट्रेटजी टू कोलोनाइज अ न्यू एरिया, एक ऐसे एरिया में जाना सीड का संभव हो सका जहाँ पहले वो नहीं पहुँच पाता था, नए हैबिटेट में वो जा सकता था डिस्पर्स होके बाय डिस्पर्सन एंड न्यू हैबिटेट एक्लेमेटाइजेशन। अब वहाँ जाकर ये न्यू एरिया में भी अपने आप को कोलोनाइज करेगा, ग्रो करेगा, क्योंकि दूर दूर तक बिना पानी की मदद के भी अब इन सीड्स को आप ले जा सकते हैं, सेफ ले जा सकते हैं, है ना, इसके कारण ये दूर दूर तक कहीं भी इसको ले जाना संभव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या वैल्यू है, सीड जो है इसका फूड वैल्यू है, फूड वैल्यू किसके लिए, दोनों के लिए, फॉर जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो, जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो, जैसे इसमें क्या हो सकता है,
इंडोस्पर्म है, पेरिस्पर्म है, और नहीं तो कोटिलेडन्स हैं। तो ऐसा फूड रिजर्व हैं जो इम्ब्रियो को जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। और दूसरी तरफ फूड वैल्यू फॉर एनिमल्स हम लोगों के लिए भी हैं, ह्यूमन। जैसे मान लेते हैं हम लोग व्हीट खाते हैं, तो व्हीट में एडिबल पार्ट क्या है? एडिबल पार्ट इज द एंडोस्पर्म। तो सीड का अपना खास फूड वैल्यू है जिसके लिए हम लोग सीड को जानते हैं। मार्केट में सीड का अपना एक मार्केटिंग वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो सीड है वो हमें यंग इम्ब्रियो तक प्रोटेक्शन देने में कामयाब बनाता है, यानी कि जो सीड है वो सीड कोट से कवर्ड है। सीड अंडर, सीड कोट, एंड मॉइस्चर भी इसके अंदर कम है, मॉइस्चर लेस देन 14-15% मेक इट डॉर्मेंट अगेंस्ट द एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी कि हम लोग इसको काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जब तक हम ना चाहें ट्रांसपोर्ट न हो जाए या उसका सूटेबल सीजन नहीं आए, तब तक हम लोग उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट देखें इसमें कि जो सीड है ये प्रोडक्ट है कैसा बनता है। सीड फॉर्मेशन इज द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल रिजल्ट किसका? ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जेनेटिक वेरिएशंस काफ़ी आएंगे, और जेनेटिक वेरिएशंस के कारण इसमें क्या होगा? न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, एडेप्टेशन आएगा, नए नए वेराइटीज आएंगे। ये सब इंटर रिलेटेड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। तो यह ग्रेट वेरिएबिलिटी ऑफ सीड्स, सो ग्रेट वेरिएबिलिटी इन द प्रोडक्शन वी सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। सीड बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सीड बेस्ड होता है, सीड इसका बेस है। बिना सीड के हम लोग एग्रीकल्चर का कोई कंसेप्ट नहीं ला सकते, क्योंकि जो न्यू जनरेशन अपीयर कराना है उसके लिए हमें सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सीड्स कहाँ से लाएंगे हम लोग? मार्केट से लाते हैं सीड, नए नए इंस्टीट्यूशंस जो तैयार करते हैं हाइब्रिड सीड वहाँ से लाते हैं। यानी कि ये बेसिस है पूरे के पूरे एग्रीकल्चर का। एक तरह से न्यू जनरेशन जो आएगा ऑफ क्रॉप ये इसी से आएगा, फुल बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। सीड कैन बी प्रिजर्व, प्रिजर्व कई तरह से रह सकते हैं, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, लो टेम्परेचर रखते हैं हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में, या डिहाइड्रेशन कितना होना चाहिए, लगभग 6-14% मॉइस्चर अगर है तो जर्मिनेशन नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग, या इनहिबिशन एंजाइम या केमिकल्स के द्वारा, हार्मोन या मोस्टली हार्मोन एब्सिसिक एसिड के द्वारा, या कोई केमिकल है इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, यानी कि प्रोलॉन्ग कर सकते हैं हम लोग किसको, प्रोलोंगेशन ऑफ
सीड डोरमैन से। सीड को हम लोग ज़्यादा दिनों तक डोरमेंट इनएक्टिव करके रख सकते हैं, और चाहे तो हम इसे जर्मिनेट भी करवा सकते हैं जब ज़रूरत होगी तब, और इसके कारण इसकी वायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो मंथ्स ईयर्स तक चले जाते हैं, इनकी वायबिलिटी जर्मिनेशन होने लायक क्षमता इसमें कब तक रहती है। तो इसकी जो वायबिलिटी होती है, सीड वायबिलिटी बहुत सारे हैं, मंथ्स ईयर्स, और जैसे मान लो लूपिनस है, बहुत सारे प्लांट्स एक्सकेवेशन में मिले हैं जो बहुत दिनों से वहाँ पर प्रिजर्व थे। जैसे लूपिन का देखते हैं 10,000 ईयर्स प्रिजर्व था और एक्टिवेटेड हुआ, बाद में इसको एक्टिवेट किया गया। ये सबसे ओल्डेस्ट सीड का रिकॉर्ड देखता है। इसी तरह से डेट पाम में भी देखा गया, डेट पाम लगभग 2000 ईयर्स। ये सब फॉसिल्स मिले हैं, फॉसिल के रूप में मिले हैं, लेकिन ये एक्टिवेट भी किए जा सकते हैं। इसी तरह से फिनिक्स डेक्टाइली फ्लोरा, फिनिक्स डेक्टाइली फ्लोरा एक्सकेवेशन ऑफ कहाँ मिला ये, एक किंग है जिसका नाम था हेरोल्ड्स पैलेस, किंग हेरोल्ड्स पैलेस, जहाँ पर इसके एक्सकेवेशन से मिला है, डेड सी के पास में, जहाँ पर ये सीड एक्सकेवेशन में मिला, नियर डेड सी। तो इस तरह से सीड की जो वायबिलिटी है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग आंसर करेंगे। तो सीड के गन्ने से काफ़ी फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसका हम अपने मन से जहाँ चाहें, जितनी देर तक चाहें, जितनी दूर तक चाहें डिस्पर्सल कर सकते हैं, इसके डोरमेंसी को घटा सकते हैं, उसके जर्मिनेशन को बढ़ा सकते हैं, और ये सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड है इसलिए इसमें वेरिएशन काफ़ी आती है। अब क्वेश्चन उठता है, कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हाउ मेनी एग्स आर इन एन एम्ब्रियो सैक। एनसीईआरटी में देखेंगे हाउ मेनी एग्स आर इन एन एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट देखेंगे हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स इन एन ओव्यूल, हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स आर इन एन ओव्यूल। इसी तरह से एक ओव्यूल के अंदर भी फिर से क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी ओव्यूल्स इन द ओवरी, हाउ मेनी ओव्यूल्स आर इन एन ओवरी। अब ओव्यूल के अंदर में फिर से क्या होगा, एम्ब्रियो सैक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर देखें क्या क्या होगा, इसका आंसर क्या क्या होगा। तो कितने क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर, तीन, एक और है, चार क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप देखेंगे। यहाँ पर फिर से है हाउ मेनी ओवरीज इन एन इन अ फ्लावर, एक फ्लावर में कितने ओवरी होंगे, अब इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है हाउ मेनी एग्स इन एन एम्ब्रियो सैक, एक एम्ब्रियो सैक में कितना एग होगा, एक होगा, दो सिनर्जिड होता है, तीन एंटीपोडल दो सेंट, तो आंसर कितना हो गया, वन। नेक्स्ट क्या देखते हैं, हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स इन एन ओव्यूल, कितने एम्ब्रियो होंगे, तो रियल में एक ही होता है, कभी कभी फॉल्सली एक से ज़्यादा भी हो सकता है। हाउ मेनी ओव्यूल्स इन एन ओवरी, एक ओवरी में कितने ओव्यूल होंगे, ये फिक्स्ड नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है,
वन और मोर, इसमें भी क्या होगा वन और मोर, ये फिक्स नहीं है, ये दोनों में फिक्स है। ठीक है, यह है इसका क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा सीड कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा? नंबर ऑफ सीड्स इन प्लांट प्रोड्यूस्ड ओरो, सबसे पहले देखें कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लांट सीड्स प्रोड्यूस होता है। ओरो, बैंक, ऑर्किड, इन सबों में बहुत सारे सीड्स होंगे, है ना। अस्ट्रीगा, STRIGA, अस्ट्रीगा, इन सारे प्लांट्स में लार्ज नंबर ऑफ सीड्स होंगे। अब सीड का नंबर या ट्री का जो साइज है और सीड का जो साइज है उसको हम लोग कंपेयर करें। ठीक है, जैसे मान लो देखते हैं हम लोग फाइकस बैनियन ट्री को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, लार्ज ट्री, कैनोपी बहुत बड़ा है, और स्मॉल सीड्स, इसके सीड्स क्या है, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सबका अपना अपना एडेप्टेशन है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह पर वो ट्रांसफ़र हो पाता है। तो यह है कुछ मेथड्स जिसको हम लोग कहते हैं सीड्स का क्या इम्पोर्टेंस है। सीड का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र लेना, साथ ही साथ जेनेटिक वेरिएशन काउज करना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है, तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। अब हम लोग देखें इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायनी, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायनी। सबसे पहले हम लोग देखें एपोमिक्सिस, एपो मतलब सिमिलर जैसा, मिक्सिस मतलब फर्टिलाइजेशन जैसा मिक्सिंग। यहाँ पर रियल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा लेकिन देखने में लगता है कि ऐसा हुआ है। यहाँ पर क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन है, और मिमिक्स नकल करता है, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाना है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, तो एपोमिक्सिस में कौन कौन से फिनोमेना शामिल हैं। ठीक है, एपोमिक्सिस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रियली, बट हेयर द प्रोसेस मिमिक्स लाइक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब है इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इसमें आते हैं, कौन कौन सारे, खास करके एस्टेरेसी फैमिली, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस मोनोकॉट, ये दोनों में सबसे ज़्यादा एपोमिक्सिस लिमिटेड देखा गया है। ठीक है, तो एपोमिक्सिस क्या हो गया, प्रोड्यूसेस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को भी हम लोग कहेंगे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के बाद एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देखेंगे जिसको कहते हैं हम लोग पॉलीस्पर्मी, पॉलीएम्ब्रायनी, पॉली मीन्स मेनी, मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन अ सीड, एक ही सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। ये जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो कैसे होता है, ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनको जिनका काम है न्यूट्रिशन देना, जिनका काम है प्रोटेक्शन करना, लेकिन ये सेल्स कभी कभी डेवलप हो करके और फॉल्सली वो बिहेव करते हैं, किसकी तरह, ये बिहेव करते हैं एक
एम्ब्रियो की तरह, तो इसको हम लोग कहते हैं पोली एम्ब्रायनी। पोली एम्ब्रायनी खास करके जिम्नोस्पर्म में भी देखते हैं और एंजियोस्पर्म में भी देखते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहेंगे पोली एम्ब्रायनी। ये कहाँ से डेवलप होगा? अब जैसे मान लेते हैं कि एक एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर एक एग है, यहाँ पर मान लेते हैं सिनर्जिड्स है, ये माइक्रोपाइलर इंड है, एग है, और इधर माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर न्यूसेलस है, और न्यूसेलस के बाहर भी एंटेगुमेंट्स है। एंटेगुमेंट का सेल डिप्लॉयड है, न्यूसेलस का सेल डिप्लॉयड है, एग सेल हेप्लॉयड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग है अगर ये फर्टिलाइज किया तो ये बनाएगा रियल एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर इधर का कोई सेल, जैसे न्यूसेलस का कोई सेल अगर इधर आ गया, न्यूसेलस का कोई सेल और ये एम्ब्रियो बना दिया, कोटलीडन का कोई सेल आकर के एम्ब्रियो बना दिया, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहेंगे ए विदाउट फर्टिलाइजेशन है। 2N सेल जो है वो क्या बना रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है, और एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, और इस फेनोमेना को एक साथ जो दिखेगा उसको हम लोग कहेंगे पोली एम्ब्रियो। तो क्या होगा, समटाइम्स द न्यूसेलर और इंटेगुमेंट्री सेल्स 2N सेल क्या होता है, प्रोट्रूड इनसाइड एम्ब्रियो सैक एंड फॉर्म, वहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो एक ही एम्ब्रियो सैक में अब कई एक साथ एम्ब्रियो दिखाई देने लगते हैं, इस फेनोमेना को हम लोग कहेंगे पोली एम्ब्रायनी। एक साथ पोली एम्ब्रायनी कई जगह पर भी देखा जा सकता है, खास करके साइट्रस में या एप्पल में, इन सारे प्लांट्स में पोली एम्ब्रायनी का कई केसेस देखा जाता है। जैसे एक केस देखते हैं हम लोग पोली एम्ब्रायनी का, माइक्रोपाइलर इंड ऊपर है, नीचे चैलेंजन इंड है, इस तरह से एम्ब्रियो सैक और इस न्यूसेलस और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। अब यहाँ पर जो माइक्रोपाइल इंड है, यहाँ पर जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है वो है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फर्टिलाइज्ड। और अगर कोई यहाँ पर मान लो न्यूसेलस है, यहाँ पर मान लेते हैं इंटेगुमेंट्स है, तो ये इसका कोई सेल अगर इस तरह से होता है, इस तरह से इंटर कर जाता है, तो ये सब हो गया न्यूसेलर एम्ब्रियो। इसी तरह से इंटेगुमेंट का सेल भी अंदर की ओर डेवलप हो सकता है, इसको कहेंगे इंटेगुमेंटरी एम्ब्रियो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है साइट्रस फ्रूट, जैसे लेमन, लेमन में देख सकते हैं। साइट्रस मतलब इस फैमिली में और भी जितने भी तरह के प्लांट्स आएंगे उसको होगा, लेमन होगा, मैंगो होगा और ऑरेंज होगा, मैंगो, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें हर तरह का ए फॉल्स एम्ब्रियो देखा जाता है, ठीक है। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिसमें हर एक तरह का
इस तरह का देखा जाएगा। जैसे खास करके एक एग्जांपल है एलियम, एलियम में 5 एम्ब्रियोज हैं, एक जो है वो रियल है, फर्टिलाइज्ड है, और दो जो है न्यूसेलर है, और एक दो जो है वो इंटेगुमेंट्री। तो इस तरह से इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि जो हम लोग हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड सीड हर जनरेशन में चलकर क्या होता है, 3 भागों में बट जाता है, प्योर डोमिनेंट, प्योर रिसेसिव और हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का प्रोपोर्शन हर बार घटते जाता है, फिर ये 3 भागों में बट जाएगा और ये फिर हर बार 3 भागों में बटेगा। यानी हाइब्रिड सीड हमें हर जनरेशन में नए तैयार करके लैब से, रिसर्च स्टेशन से लाने होंगे। अदरवाइज़ अगर हम पुराने हाइब्रिड सीड को न्यू जनरेशन में लाते हैं तो लगभग 50% ही उसमें हाइब्रिड रह पाता है, बाकी प्योर होते जाता है, और 5-6 जनरेशन जाते जाते तो हाइब्रिड जीरो हो जाता है। तो हर बार हाइब्रिड सीड को लाना काफ़ी महंगा पड़ता है, बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है हाइब्रिड सीड को तैयार करना। यानी अगर हम किसी हाइब्रिड सीड के प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना है तो आप कैसा रिप्रोडक्शन अपनाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपनाएंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि करेंगे आप कटिंग करेंगे, क्लोनिंग करेंगे, ये सब काफ़ी टीडियस वर्क है। सबसे ईजी क्या है, ईजीएस्ट टू डेवलप क्या, पोली एम्ब्रायोनी, इसको आप डेवलप कीजिए। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है और हाइब्रिड नेचर 100% वहाँ पर मेंटेन होगा। पोली एम्ब्रायोनी इंड्यूस करना बहुत ही आसान होता है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड फेनोमेना होता है, और हम लोग इसको करा कर आजकल अब और हाइब्रिड सीड को बिना हर बार रिक्वायर किए ही और पोली एम्ब्रायोनी से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं इसको। ये बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्ट मैनेजमेंट है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। ओके, तो ये हो गया पोली एम्ब्रायोनी एंड एपोमिक्सिस। ओके, थैंक्स।